उज्जैन में स्थित भगवान शिव के महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पे लाखों के लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। उसी मंदिर का नया कॉरिडोर है वो तैयार हो गया है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा भव्य लग रहा है। महाकालेश्वर मंदिर के कॉरिडोर का जो वीडियो बाहर आया है उस वीडियो में हमें भगवान शिव जी का एक बहुत ही बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है और उस मूर्ति के आसपास की जो लाइटिंग है उसने उस कॉरिडोर की जो खूबसूरती है उसमें 4 चांद लगा दिया है। और उसके साथ साथ भगवान शिव के मूर्ति के पास हमें एक वाटर फाउंटेन भी दिखा रहा है जो उस कॉरिडोर की जो खूबसूरती है उसको और भी ज्यादा निखार रहा है। तो उस कॉरिडोर का जो उद्घाटन है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने आज महाकालेश्वर मंदिर का जो कॉरिडोर है उसमें उसको विजिट किया और फिर उन्होंने वहां से ये कहा कि इस कॉरिडोर का उद्घाटन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे और उसके बाद ये मंदिर खोल दिया जाएगा हर दर्शनार्थी के लिए कि वो आए और भगवान शिव का यहाँ पे दर्शन कर सके। उन्होंने साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये कॉरिडोर का जो उद्घाटन है वो पहले होने वाला था बट चुनाव के कारण ये थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया और अब ये 11 अक्टूबर को खुद नरेंद्र मोदी जी आके इसका उद्घाटन करेंगे। वीडियो सामने आई है उससे ये जो कॉरिडोर है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लगा ये कॉरिडोर का वीडियो देख के हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे जरूर बताइए। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक अगले वीडियो पे।